प्रस्तुतकर्ता नरिश। साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो, समझे बच्चू। महाराष्ट्र के जलगांव में अवैध धर्मांतरण मामले पर बोले सीएम योगी, सनातन धर्म से छेड़छाड़, मानव जीवन से खिलवाड़। सनातन विरोधियों की मंशा कभी कामयाब नहीं होगी, सनातन धर्म का अर्थ है मानव धर्म। रामचरितमानस विवाद पर पहली बार बोले अखिलेश, कहा ना तो हम भगवान राम के विरोधी ना ही रामचरितमानस के, सीएम से कहूंगा कि वो रामचरितमानस सुनाए। रामचरितमानस पर बयान से विवाद पर मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा चुनावी फायदे के लिए दोनों में मिली भगत, मुद्दों से भटकाना भी आरोप। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का स्वामी प्रसाद पर बड़ा हमला, कहा स्वामी प्रसाद पर संगत और संपर्क का असर, सद्बुद्धि के लिए रामायण का पाठ करें स्वामी प्रसाद मौर्य। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने जलाने पर 8 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज, माहौल बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप, अखिल भारतीय OBC महासभा से जुड़े बताए जाते हैं आरोपी। लखनऊ में बेसमेंट में खुदाई की वजह से ढहा आया अपार्टमेंट, जांच कमेटी में शामिल विशेषज्ञ इंजीनियर ने खुलासा किया, भारी भरकम ड्रिल मशीनों से बेसमेंट में हो रही थी खुदाई। एजीए में एक बार फिर से बनने लगी अवैध होटल्स की सूची, हाईकोर्ट में की जाएगी पेश, होटल लिवाना स्वीट्स अग्निकांड के बाद कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट ने अधिकारियों को तलब किया। शिवपाल यादव का वाराणसी दौरा, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद पहला दौरा, एक शादी समारोह में भी शामिल होंगे शिवपाल यादव। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच में बड़ा खुलासा, रसूख के चलते कौड़ियों के दाम में खरीदी थी किसानों की बेशकीमती जमीनें, जल्द कोर्ट में दाखिल होगी चार्जशीट। जाट महासभा ने MU में मंदिर की मांग की, मंदिर निर्माण के लिए जाट महासभा देगा 21 लाख रुपए का दान। ललितपुर में एंटी करप्शन टीम ने किसान से रिश्वत लेते हुए लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया की मांग, एंटी लव जिहाद पर कानून बनाए सरकार। फतेहपुर में मुंबई के व्यापारी को सिर और गर्दन पर वार कर उतारा मौत के घाट, पुलिस कर रही है जांच। मुजफ्फरनगर में शराब डिस्टिलरी पर इनकम टैक्स का छापा, टैक्स चोरी की खबर पर कार्रवाई, इलाके में हड़कंप। कौशाम्बी में मोटरसाइकिल एजेंसी में भीषण आग लगी, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। कुशीनगर में अनियंत्रित पिकअप एक घर में घुसी, ड्राइवर घायल हुआ, घर के बाहर बैठे लोग बाल बाल बचे। बिजनौर में 15 फीट गहरे कुएं में गुलदार गिरा, वन विभाग की टीम गुलदार को निकालने में जुटी। बुलंदशहर में दो भाइयों का विवाद, बीच बचाव करने गई भाभी की ईंट से पीट पीट कर हत्या। शाहजहांपुर में 3 युवकों पर लाठी डंडों से हमला, 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, हमले का वीडियो CCTV में कैद।